ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूं जय भास्कर। आप देख सकते हैं जैसा कि इस वक्त मैं अभी पटना जंक्शन के पास खड़ा हूं, मेरे पीछे पटना जंक्शन का जो बिल्डिंग है वो साफ नजर आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और अब आपको बताता हूं कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि कल तक जो पटना मेट्रो का काम कागजों पर हो रहा था और अब वो जमीन पर भी दिखने लगा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाकायदा ये जो और बोर्ड लगा है और इसके पीछे पटना मेट्रो का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे जो मिट्टी जांच का काम है वो किया गया था, मिट्टी के सैंपल्स रखे हुए हैं बड़े बड़े ड्रम में। और आपको बता दें कि पटना मेट्रो जो है पटना जंक्शन के पास बनना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्यों महत्वपूर्ण है इस वीडियो में आपको बता दें। पटना मेट्रो के लिए सबसे महत्वपूर्ण पटना जंक्शन स्टेशन पर मिट्टी जांच होने लगी है। पटना जंक्शन पटना मेट्रो के लिए कितना महत्वपूर्ण है वह इसी से समझा जा सकता है कि दोनों कॉरिडोरों की शुरुआत यहीं से होनी है, यहीं से मेट्रो लाइन डिवाइड होगी। पटना जंक्शन से मेट्रो का एक फेज खेमनी चक होते न्यू बाईपास पर इंटर स्टेट बस टर्मिनल तक जाएगा, वहीं एक फेज दानापुर जाएगा। वर्ष 2024 तक मेट्रो का एक फेज नॉर्थ साउथ यानी पटना जंक्शन से न्यू ISBT कॉरिडोर चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। को बता दें कि पटना जंक्शन पर 120 फीट नीचे तक मिट्टी की खुदाई की गई है। हर 1.5 फीट पर मिट्टी का सैंपल लिया गया। मिट्टी के सैंपल में यह जांचा जाएगा कि मिट्टी में कितनी नमी है और उसमें स्ट्रेंथ कितना है। अगले एक महीने में पटना के अलग अलग जगहों पर मिट्टी जांच की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही जा रही है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल पटना ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद।